नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा भी एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप ट्रैप से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको यहां पर मिलने वाला है। और सबसे पहले जो मैं बार बार एक ही चीज वीडियो में बताता हूं, देखिए जो मेन चीज होता है, मार्केट को थोड़ा सा समझना है, ब्लाइंडली काम नहीं करना है। ब्लाइंडली काम करने से कोई भी चीज के ऊपर भरोसा करके अगर आप ब्लाइंडली काम करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो रूल को समझ के काम करेंगे तो आप आराम से ट्रैप को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रैप मार्केट कैसे करता है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। 21 तारीख का बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, ये ब्रेकआउट जोन बोल के जोन होता है, उसका ऊपर आज को मार्केट ओपन हुआ है। ये जो कैंडल है वाली, ये ग्रीन कैंडल है, बट ये फिलअप कैंडल है, मतलब ये बेयरिश कैंडल है। तो ये हम लोग का कलर सेटिंग है, तो कैंडल ग्रीन है क्योंकि बाय का कॉल चल रहा था, बट कैंडल का जो पैटर्न है वो फिलअप कैंडल है। फिलअप मतलब अंदर फिलअप है, तो इसे हम लोग बेयरिश कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ओपन ऊपर में हुआ है, क्लोजिंग नीचे हुआ है, तो इसका ओपनिंग, इस कैंडल का ओपनिंग ब्रेकआउट का ऊपर ओपन हुआ है, तो इसका मतलब है एज पर गैप थ्योरी मार्केट थोड़ा सा नीचे का तरफ टानेगा। और वो गैप थ्योरी के हिसाब से हमेशा कोशिश करता है अगले दिन का क्लोजिंग वैल्यू को टच करने का। तो देखिए यहाँ पर मार्केट फर्स्ट दो तीन कैंडल थोड़ा सा गिरा था, और इस रीजन से ही गिरा था क्योंकि ब्रेकआउट का ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, गैप थ्योरी अप्लाई हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पर ये जो येलो कलर का लाइन है, ये एक मूविंग एवरेज का पैरामीटर है, अगर इसको नहीं तोड़ा तो इसको सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा बाउंस बैक करता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज याद रखना है। अगर हम नॉर्मली सिग्नल को फॉलो करेंगे, देखिए ये एक सिग्नल का बना सॉफ्टवेयर के हिसाब से एक फ्रेश सिग्नल है। अब सिग्नल में हम लोग का तीन कंडीशन होता है। पहला कंडीशन, अगर सिग्नल बना है तो उसका पहले एक रेड स्टार बनेगा जो यहाँ पर बना नहीं है। नीचे का रिबन का कलर रेड होना चाहिए जो हुआ नहीं है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर सिर्फ आपका फेवर में गया है, मतलब रेड होके व्हाइट का नीचे गया है। तो तीन में से एक कंडीशन मैच है, दूसरा बाकी दो कंडीशन मैच नहीं है। मतलब लॉजिकली अगर मैं देखूंगा ये कॉल अभी भी यहां पर उतना अप्रूव नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करने से। देखिए सेकेंड कैंडल पे मार्केट रिवर्स कर गया सडनली और बाइंग का कॉल दे दिया। अब ऐसा सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं अगर हम लोग जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा मार्केट में फर्स्ट जो 45 मिनट होता है वहां पर बहुत ही इमैच्योर ट्रेडर ट्रेड करता है, जिसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। तो इस टाइप का सिचुएशन में काम करने का टाइम थोड़ा सा समझ के संभल के काम करना है। सारा कंडीशन मैच होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अल्टीमेट देखिए ये जिस कैंडल पे कॉल बना था सेलिंग का, वही कैंडल ब्लू हो गया, नेक्स्ट कैंडल पे बाय का कॉल दे दिया। अब ये जो बाय का कॉल का बात हो रहा है, इसका बारे में क्या सोचेंगे? नीचे करीबन ग्रीन है, ब्रिक्स भले ग्रीन है बट वो व्हाइट का ऊपर है नहीं, स्टार इसमें आएगा नहीं क्योंकि पहले से चल रहा है। बट एक चीज याद रखिएगा, आज को मार्केट ब्रेकआउट का ओपन हुआ है, ब्रेकआउट का ऊपर ओपन हुआ है, तो उस हिसाब से मार्केट अगर आज को लंबा बाइंग ट्रेंड पकड़ेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल का हाई का ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। तो ये रूल को याद रखना है, यहां पर सिर्फ बाई सिग्नल देखते हुए ही घुस जाना नहीं है। आपको याद रखना है ब्रेकआउट का ऊपर मार्केट ओपन हुआ है, तो अगर ब्रेकआउट का फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ेगा तभी एक रैली बनेगा। तो ये छोटा छोटा चीज जो आपको कोई बताएगा नहीं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। अल्टीमेट देखिए थोड़ा सा ऊपर तो गया था, बट देखिए वो फर्स्ट कैंडल का हाई को नहीं तोड़ पाया और सडनली मार्केट ने गिरा दिया। तो यहां पर बंदा फंसा होगा बहुत टाइम। तो कुछ कुछ चीज आपको अगर समझ के काम करेंगे या आपको अगर रूट पता होगा तो ही आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। फाइनली देखिए अभी ये सेल का कॉल बना है, नीचे का रेड हो गया, ब्रेस आपका फेवर में, अब यहाँ पर स्टार भी बना है, मतलब यहाँ पर आपका सारा कंडीशन मैच है। अब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। तो देखते देखते देखिए 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया था। आप इंडेक्स को देखते हुए भी ऑप्शन में काम कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप डायरेक्टली हम लोग के सॉफ्टवेयर में ऑप्शन का भी चार्ट है उसको लगाकर भी काम कर सकते हैं। नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है ये काफी हेल्प करता है एग्जिट करने के लिए। देखिए यहां से इसका कलर ग्रीन हो गया, जब तक रेड है तब तक कोई टेंशन नहीं है। ग्रीन होने का मतलब है यहां से टेंशन आपका बढ़ रहा है, और ये टेंशन बढ़ते बढ़ते जब ये व्हाइट के ऊपर चला जाएगा तो समझ जाना है कि इसके बाद अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। फाइनली देखिए बाय का कॉल बना। अब बाइंग में भी देखिए सेम कंडीशन मैच हुआ, सारा कंडीशन मैच होने से हम लोग ट्रेड ले लिए इसी कैंडल पे। अब लेने के बाद देखिए मार्केट थोड़ा सा गिरने लगा। अब इस टाइप का सिचुएशन में हम लोग बहुत टाइम फंस जाते हैं, हम लोग डर के निकल जाते हैं, और निकलने के बाद देखते हैं मार्केट प्रॉफिट देखी गया।
तो ऐसा केस में आपको नीचे का रिबोन को देखना है, ब्रिक्स को देखना है। ब्रिक्स अगर व्हाइट का ऊपर अभी भी है तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक व्हाइट का ऊपर मार्केट चल रहा है उसका मतलब है आप बाइंग ट्रेंड में है। जैसे यहां पर आके देखिए आपको ब्रिक्स दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट लाइन को तोड़ के नीचे आ गया, तो पोजिशन यहां पर स्क्वायर अप करना है। इसका अंदर अगर आप छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाते हैं तो ये काम का नहीं है। मार्केट सीधा प्रॉफिट कभी नहीं देता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट कहां पर पेशेंस रखना है कहां पर नहीं रखना है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं मार्केट गिर रहा है आप पेशेंस रखते गए और मार्केट में लॉस आपका डबल हो गया। अल्टीमेट देखिए मार्केट सेलिंग का कॉल बना, नीचे का रिबन रेड हो रहा है बट यहाँ पर स्टार नहीं बनना है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे स्टार के लिए, बट स्टार बना नहीं, तुरंत मार्केट रिवर्स किया और यहां पर देखिए ब्लू कैंडल बनने लगा, नीचे का रिबन ग्रीन हो गया। बट ये जो जहां पर रेड हुआ तो रेड ही है, तो यहां से एक चीज पता चल रहा है जो हम लोग को सॉफ्टवेयर में रिपेंड नहीं होता है कुछ भी। मतलब बहुत सारा ऐसा इंडिकेटर देखे होंगे सिग्नल आता है बाद में सिग्नल मार्केट चेंज होने से सिग्नल भी गायब हो जाता है, बट हम लोग यहाँ पर कोई भी चीज रिपेंड नहीं है। जो भी प्रॉफिट है लॉस आपको दिखेगा। सेलिंग का कॉल बना, कंडीशन मैच नहीं है, दोबारा बाय का कॉल दे दिया। अभी बाय का कॉल में भी आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे का जो ब्रिक्स है वो व्हाइट का नीचे है। फाइनली देखिए दोबारा घुमा के सेल का कॉल दिया, तो ये भी एक ट्रैप सिचुएशन था जहां से आप सॉफ्टवेयर का लॉजिक को फॉलो करेंगे तो आराम से बच पाएंगे। तो यहां पर देखिए अभी जो लास्ट इसके बाद सेल का कॉल दिया, ये स्टार का साथ बना, नीचे का रिबन रेड है और ब्रिक्स तो आपका फेवर में है ही, तो फाइनली इस सेल का कॉल में मैं ट्रेड करूंगा, ये मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। तो देखिए दिन में काफी सारा कॉल बना, हर एक कॉल में ट्रेड नहीं हुआ, कौन सा कॉल में ट्रेड कर रहे हैं कौन सा कॉल में ट्रेड नहीं कर रहे हैं ये आपको सॉफ्टवेयर क्लियर कर दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, लॉजिक को सही से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी आपको दिखेगा। और बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ ब्लाइंडली कोई भी स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके काम मत कीजिए, लॉजिक को समझिए, रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तब तो कहीं पर भी प्रॉफिट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का लर्निंग वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू।